माहौल चल रहा है? माहौल डिंपल का चल रहा है, डिंपल का चल रहा है। अच्छा डिंपल यादव में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाजपा में? देख रहे हो बहन, सिलेंडर 1200 को जाए रहे और सबकी नौकरी ले बैठे हैं, पेंशन नहीं बलै चुके हैं, अब का जब खाइबे को दे दो ना, जब बहन जो आदमी जान जाने कहानी का होई है वो तो यादव थे उनका हम सब हटा दिया है। क्यों हटा दी? बेमानी बेमानी के चक्कर में, बेमानी हो जाएगा। हाँ जी बेमानी के चक्कर में ना, ये करे वो करे है समझे, हाँ झूठ मचाएंगे बीजेपी वाले। राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, राशन के लिए आदमी परेशान हो रहा है। राशन के लिए आप ऐसी व्यवस्था करिए जिससे आदमी राशन खुद खरीद ले, राशन देने की क्या जरूरत है? चुनाव चल प्रचार हो रहा है, प्रचार में डेली जा रहे हैं, 5 तारीख को है वोट। बिल्कुल वोटिंग करेंगे। कितने वोट से जीतेंगे डिंपल? कम से कम 3-4 से। कितने वोट से? 4 लाख। 4 लाख। आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल वोट देने तो जा रहे हैं। अरे एकदम क्लियर सपा साइकिल बताओ। अच्छा, योगी बाबा क्यों नहीं? अरे योगी बाबा नहीं देंगे क्या ही के? मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया पहली बात, स्कूल से फॉरवर्ड नहीं कराया क्योंकि पंडित थे उसमें। हाँ इसीलिए गुंडा है कहाँ बताओ? अरे जो हमारे गांव में कोई गुंडा है नहीं पहली बात। कह रहे हैं हमारी पुलिस जब से आई तब से एकदम गुंडा सब जेल में। सपा की सरकार सबसे बढ़िया है, सीधी बात जो है। सपा की सरकार में तो कह रहे थे कि गुंडा राज चल रहा था। गुंडा गुंडा राज कहीं नहीं चल रहा, दिखाओ कहाँ है। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में। इस वक्त उपचुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा से रघुराज साख चुनाव लड़ रहे हैं। अब जानते हैं कि जनता का क्या माहौल है और कौन यहाँ से सांसद बन रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, पूरा नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार ही है, यादव हैं कि प्रजापति है, क्या है? यादव हैं। यादव हैं। देखिए क्या माहौल चल रहा है? माहौल डिंपल का चल रहा है, डिंपल का चल रहा है। अच्छा डिंपल यादव में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भाजपा में? देख रहे हो बहन, सिलेंडर 1200 को जाए रहे और सबकी नौकरी ले बैठे हैं, पेंशन नहीं बलै चुके हैं, अब का जब खाइबे को दे दो ना, जो बहन जो आदमी जान जाने कहानी का होई है वो सब बर्बाद करें दे, तो आरक्षण भूसब ले जाए, नौकरी बहन सब अपनी ले जाए, और कहा है। लेकिन योगी जी दिवाली में दो दो बाटला दिए हैं। कहा दो 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 बाटला, गैस का बाटला। बाटला किन्हें मिली? कोई बता दे, इतने आदमी बैठे बता दे, कोई आदमी बैठे बता दे, कोई गलत कह रहे, गलत कह रहे। अच्छा चुनाव में जो यहाँ पुलिस कर्मी थे यादव लोग, उनको हटा दिया गया, ऐसा है क्या? बता से हटा दे कि मतलब वोट अंटी क्या? आपका क्या नाम है? जो यादव थे उनका नाम सब हटा दिया है। क्यों हटा दी? बेमानी बेमानी के चक्कर में, बेमानी हो जाएगा। हाँ जी बेमानी के चक्कर में ना, ये करे वो करे है समझे, हाँ झूठ मचाएंगे बीजेपी वाले। क्या नाम है जज आपका? अर्जुन प्रसाद। क्या माहौल है मैनपुरी की? माहौल कोई भी हो डिंपल जीतेंगी। अच्छा डिंपल जीतेंगी, क्यों भाजपा क्यों नहीं? भाजपा क्योंकि भाजपा कम वोट मिलेंगी इसलिए भाजपा नहीं जीतेगी। क्या दिक्कत है? राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है। राशन के लिए आदमी परेशान हो रहा है, राशन के लिए आप ऐसी व्यवस्था करिए जिससे आदमी राशन खुद खरीद ले, राशन देने की क्या जरूरत है? आप बताइए, आप गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करें आदमी के लिए कि आदमी खुद राशन खरीद ले, राशन देने की जरूरत ही ना पड़े। किसानों के लिए 2-2 हजार दे रही है। अरे 2 हजार से क्या होता है? किसान की मूल्यांकन करिए आप, मेहनत करके देखिए उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है किसान को, कुछ नहीं हो रहा है। भाजपा से दुखी है आप? भाजपा से क्या, कोई भी सरकार आए अगर जनता के लिए नहीं कर रही सबसे दुखी होता है आदमी। अभी तो अग्निवीर की भी भर्ती आई है। कहाँ आई है अग्निवीर की भर्ती? अरे जा बताओ, जो 20 साल नौकरी और 4-5 साल के क्या करे है, जवान ही रिटायर हो जाओ पर रेफर काबू मर्डर करे क्या करे है फिर? अब बताओ 4-5 साल बच्चा पल जाए हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं करे क्या करें फायदा है? लोग तो विरोध कर रहे थे लेकिन फिर जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, बच्चा भी बीएड करें बड़े जी क्या करेंगे जी, हैं पढ़ लिख क्या करेंगे आप बताओ, मर जाएंगे क्या करें जी, लड़के क्या करेंगे आप बताओ, कहानी खत्म है। क्षेत्रों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि किसान आवारा पशु से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रही है, क्या करें? गौशाला खुला उसमें ऐसा हो गया बताएं, लोग दिन में बेचारे काम करते हैं, रात में लाइट आ रही है, फसल रखाई रही है, चौकीदारी कर रहे हैं, हालत खराब है। यहाँ आलू उलू खेती ज्यादा होती है क्या? आलू होती होती है, आलू गया सब कुछ होता है, रात में रखा रहे लोग हैं, लोग परेशान है। हाँ बहुत ज्यादा। आप क्यों पीछे जा रहे हैं, आगे आइए, क्या नाम है? रवि यादव। रवि यादव, टैग तो लगा है समाजवादी में जाओगे? समाजवादी। और क्यों भाजपा में जाने वाले? भाजपा, क्योंकि भाजपा में वोट दोगे तब पर भी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा क्योंकि यादव। यादव है तो। अच्छा ये बताइए, नेताजी की तस्वीर अखिलेश यादव के अंदर है? क्यों नहीं है, पूरी पूरी है तस्वीर तो।
पूरी पूरी है। बिल्कुल। अखिलेश यादव जी से मिले हैं आप? कई बार मिले हैं। कई बार मिले? कई बार। अभी तो चुनाव प्रचार हो रहा है, प्रचार में डेली जा रहे हैं। 5 तारीख को है वोट? बिल्कुल, वोटिंग करेंगे। कितने वोट से जीतेंगे डिंपल? कम से कम 3-4 से। कितने कितने दोस्त? 4 लाख वोट से जीतेंगे। इधर आ जाओ। हाँ हाँ, इधर आ जाओ। कितने वोट से? 4 लाख। 4 लाख। आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। 19 साल। वोट देने तो जा? अरे एकदम क्लियर, सपा साइकिल बताओ। योगी बाबा क्यों नहीं? अरे योगी बाबा नहीं देंगे क्या ही के? मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया पहली बात। स्कूल से फॉरवर्ड नहीं कराया क्योंकि पंडित थे उसमें। हाँ इसीलिए। हाँ अरे राशन भी तो ले रहे? अरे राशन गैया खाई सब गेहूँ तो राशन तो को करिए काम बताओ। अरे 20,000 मिलते 20 किलो। हाँ। और मिल लो हमारे एक बीघा में तो 4.5 क्विंटल तो वो 20 किलो ज्यादा है 4.5 क्विंटल जा बताओ। अरे 2,000। अरे 2,000 किनके मारे बताओ? जिनके मारे में खर्चे हो जाए पहले ही से। तेल यो तो महंगो 160 रुपया, रिफाइंड है 160 रुपया, 80 आ रही थी 160 दूने कहाँ से होगा जी बताओ। मतलब सपा की सरकार आई कब? सपा ही आए तभी सही है, तभी विकास हुए, सीधी बात जे है। अरे योगी जी कहते सब गुंडा जेल में डाले। गुंडा गुंडा मारे तो जा रहे कहाँ है? गुंडा है कहाँ बताओ? अरे जो हमारे गाँव में कोई गुंडा है नहीं पहली बात। कह रहे हैं हमारी पुलिस जब से आई तब से एकदम गुंडा सब जेल में। सपा की सरकार सबसे बढ़िया है, सीधी बात जो है। सपा की सरकार में तो कह रहे थे कि गुंडा राज चल रहा था। गुंडा गुंडा राज कहीं नहीं चल रहा, दिखाओ कहाँ है गुंडा राज। तो अब चल रहा है, लड़कियां मार के काट के डाल रही है बताओ। अब चल रहा, अब चल रहा है ज्यादा और बताओ। ज्यादा चल रहा। हाँ क्या नाम है भैया आपका? भैया धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? वो साफ दिख रहा है भैया, समाजवादी की लहर है। समाजवादी, लेकिन अभी मैं शहर में था तो लोग कह रहे थे बीजेपी जीत रही है। देखिए भैया ऐसा है, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे। रही बात अभी जो आपने जनता से बात की है तो दिख भी रहा है कि समाजवादी की लहर है और ये कुछ काम ऐसे किए हैं समाजवादी ने, नेताजी ने ऐसे काम किए हैं कि उनकी सराहना अभी तक हो रही है। रही बात अगर कोई भी जो डायल 100 है, 108 है, नाम बदलने से क्या हो रहा है? दी तो अखिलेश यादव ने है, आप नाम बदल रहे हैं, उतना जो नाम बदलने में खर्चा भी तो आता है। नाम बदलने की जगह कोई ऐसा कोई बढ़िया काम करिए, कोई फैक्ट्री लाइए। राम हमारे थे, आपके कहने से हमारे राम होंगे। अच्छा सपा के साथ चले गए शिवपाल यादव जी, सिक्योरिटी कब हो गई, जांच बैठ गई, क्या दिक्कत? वो तो बीजेपी को जो सभा में शामिल वो समझ लो गुंडा हो गया, मतलब बीजेपी में कोई भी शामिल हो जाए वो दूध का धुला हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा हमारे नहीं हाँ। आए थे शुरुआत में शिक्षा पे इतना जोर दिया था, अब क्या हो रहा है शिक्षा का? ऑनलाइन हम मान रहे हैं पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन हम क्या क्या जाने बच्चा पढ़ रहा है कि कोई वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है कि स्कूल के एकदम रेड मार दी, टैबलेट बांट दिए तब पर दिक्कत। अरे टैबलेट बांट दी, टैबलेट से होता क्या है? आप रोजगार दीजिए, रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें एक मिनट मंदिर बना के आप भिखारी पैदा कर रहे हैं। मंदिर आपने बना दिया भाई, मंदिर के सीढ़ियों पर भिखारी बैठेगा। आप फैक्ट्रियां लगवाइए, कोई कंपनियां बढ़िया बढ़िया लाइए तो वहां जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा तो टैक्स सरकार के पास उतना ही टैक्स ज़्यादा जाएगा। आप राम को लिए फिर रहे हैं, आपके आपके मोहर की ज़रूरत है, आपकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि हमें जब आप बताओगे कि हाँ राम को तुम लाए हो, तुम लाने वाले होते कौन हो? आपने तो जातिवाद कर दिया, बीजेपी ने जातिवाद कर दिया, बताओ बजरंगबली ठाकुर है? अरे वो तो जनता कह रही है कि ठाकुर है बजरंगबली, कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी कहे, ये तो नहीं हुआ था ना। रही बात किस मुसलमान के तुमने झंडे उखाड़ लिए बीजेपी ने, हमें ये बता दिया जाए, मुसलमान जैसा था वैसा ही है। रही बात को अब हिंदुत्व, जब तुम्हारी चलो समाजवादी थी, हिंदू खतरे में नहीं था, बीजेपी आई अब हिंदू खतरे में, तो ऐसा करो छोड़ो फिर, क्यों 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 सत्ता में आए हो आप, छोड़ दो सरकार। लेकिन हमें तो, पुलिस वाले से यादव जितने थे सब हट गए। हाँ तो सब हटा दिए गए, वो ठीक है। यादव पुलिस वाले, एक बात बताइए, हर थाने में आप यादव एक ना एक मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन गलत तो नहीं कर रहा है ना, फेक इनकाउंटर तो नहीं हो रहे हैं ना? अच्छा फेक इनकाउंटर भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं, मतलब सुधरने का मौका नहीं दिया जाता है, सीधा इनकाउंटर, ठोको वाली भाषा चली रही है। तो रही बात कुछ भी हो, समाजवादी बढ़िया थी, चुनाव जीत गया था,
रोजगार था, अफसर थे, पढ़ाई थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। रही बात जहाँ तक है, हम समाजवादी के समर्थक थे, हैं और रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? अभिनंदन। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया, समाजवादी का है। समाजवादी क्या है? पार्टी समाजवादी, साइकिल का। अच्छा, शिवपाल चाचा की सिक्योरिटी कम हो गई? कम हो गई इसके लिए कि वो पहले भाजपा में थे, अब वो शामिल हो गए तो कम कर दी। भाई जो ऊपर भी है नीचे भी है वो तो कम कर देगा। चाचा, लोग कहते हैं कि भाजपा में चले जाओ तो दूध से नहला दिए जाते हो, सत्य बात है क्या? ये गलत बात है। कोई दूसरे, हम चल रहे हैं, हमें कोई दूसरे नहलवा दिए? मतलब कितना भी आप घोटाला किए रहो, भाजपा में जाओ फ्री हो जाते हो। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। सही है, बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, दिखा रहा है। कितना भी बड़ा छात्र गुंडा हो या चला जाए पार्टी भाजपा में, वो बिल्कुल सेफ, कोई टेंशन नहीं उसे, कोई टेंशन नहीं। मतलब सर्टिफिकेट मिल जाता है, ईमानदार है बिल्कुल करके। और इसमें अगर कोई भी, अगर जो भी उंगली उठाता है वो ही बहुत बड़ा गुंडा हो जाता है, समझिए आप। और फिर इन्होंने मैनपुरी में कुछ नहीं कराया। अच्छा, डीएपी ओपी खाद मिल रही नहीं है? डीएपी खाद की चलिए लाने लगी हुई है, खेत पहिए डरे है। और कहूँ खाद बंसना, कहू एक बोरी, कहू डेढ़ बोरी ले जा भैया, सर्टिफिकेट भी ले जा, आधार कार्ड औंठा लगा दो, एक बोरी ले जा। अरे, भाजपा के नेता टोपी लगा के मीडिया के सामने कह रहे हैं किसान खुशहाल है। अरे, खुशहाल किसान का है? क्रफूक जाइए आप, उस पर पता करिए कि लाइनें लगी यहाँ से लेके एक एक किलोमीटर की। आदमी के पसीना आने का सुबह से बासा खड़ा हो जाता है, शाम को रोटी मिलती है, एक बोरी के नाप लेके चला आता है। किसान की बात उठी है, किसान हम भी हैं। जैसे जो आवारा पशु घूमते हैं आपके यहाँ, इधर कहीं गौशाला बना हुआ है? गौशाला बना है नगला दीपा पे, ठीक ठाक है गौशाला? टनाटन गौशाला में रोज चार मत्ती है और 2.5 किलो भूस दो हो जाते, बढ़िया तो मर जाए तो अच्छो। और निर्णय को बीमारी फैली है, सो फड़कने पर हफियातीन डरी है, कोई है मनोवचन के पास की एक इंजेक्शन के लगवाया जाए आवारा पशुओं को? ये तो गाय को गऊ माता कहते हैं। गऊ माता गाय के लिए कहा, माता कहें पिता कहें तो बढ़िया है भाई। एक रामायण में लिखा है, समर्थक होना ही दोष गुसाई। जो पैसा वाला ऊपर बैठा है उसे दोष नहीं होता है। उसकी लड़की कहीं चली जाए तो पिकनिक गई, और गरीब की भाग जाए तो एक मिनट में हंगामा हो जाता है थाने में कि उसकी लड़की चली गई हो, मार पुलिस घूम फिरती है। तो ये रामायण में भी लिखा है, मान के चलिए इस बात। अच्छा चाचा, ये बताओ, अभी आप समाजवादी के कट्टर सिपाही है और साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, नेताजी का विचार जाके जनता के बीच में रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को, जनपद मैनपुरी, विधानसभा भगाओ। जय हिंद, जय भारत।